गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपका भाई लेकर आ चुका है द हैक ड्राइवर का फुल एक्सप्लेनेशन। तो भाइयों इस वाली वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है और काफ़ी कम मिनट में आपकी ये वन शॉट वीडियो है जिसमें सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। अरे भैया बाहर से क्वेश्चन आने का कुछ चांस ही नहीं है, तेरा भाई आपका विश्वास दिलाता है यार, चैप्टर समझ लो सब खत्म। अब देखो द हैक ड्राइवर की स्टोरी है, घोड़ा गाड़ी की स्टोरी है यार द हैक ड्राइवर, जिसमें बड़ा बेवकूफ़ बनाया होता है एक आदमी का, जो हमारे ऑथर ही होते हैं बाई चांस, ठीक है। तो भाई इसके अंदर जो हमारे ऑथर होते हैं ना, वो एक लॉयर होते हैं। ऊपर आप ये पूरे नोट्स को देखते रहो, ठीक है, मैं जो जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से नोट्स देखते रहो। ऑथर लॉयर होते हैं, ऑथर जो है ना अपने वर्क को पसंद नहीं करते, डिडंट लाइक हिज वर्क, ठीक है। ही वॉज जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन मैग्निफिशेंट लॉ फर्म, भाई वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हैं, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, रट लो, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हैं मैग्निफिशेंट लॉ फर्म में, ठीक है। इन रीज़नों की वजह से, जो फॉलोइंग रीजन से लिखे हैं, इन रीज़नों की वजह से वो अपने वर्क को पसंद नहीं करते थे। ही हैड टू गो इन शेडोई कॉर्नर्स टू सर्व समन, उन्हें छाएदार जगह पर जाना पड़ता था, मतलब कि जो पतली पतली गलियां होती हैं जहाँ पर धूप बहुत कम आती है, जो थोड़ी पतली पतली और जहाँ घना एरिया होता है ना, उस एरिया की बात हो रही है, शेडोई कॉर्नर का मतलब उस एरिया से है। तो वहाँ पर उन्हें जाना पड़ता था समन सर्व करने के लिए। समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, जो किसी को बुलाने के लिए एज अ विटनेस दिया जाता है, ठीक है, गवाह के लिए बुलाने के लिए वो दिया जाता है समन, ठीक है। कई समाचार में भी सुना होगा कि भाई उसे समन दिया है, ठीक है। सम लार्जर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल बीट हिम, कई बार सम लार्जर और सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल मतलब उसे कई बार बड़े जो क्या कहते हैं जिनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सर फिरे मार भी देते थे उसे कई बार, जिसकी वजह से बेचारे को काम पसंद नहीं था अपना इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वंस टाइम्स, मतलब एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ कि उसके जो बॉस है उसने भेज दिया सेंड टू न्यू मिलियन टाउन विच वॉज अबाउट 40 miles अवे, न्यू मिलियन टाउन में भेज दिया जो कि 40 miles दूर था, टू सर्व समन हुज़ नेम्ड ओलिवर लुटकिन, ओलिवर लुटकिन को समन सर्व करने के लिए। उसके बाद देखते हैं, और वहाँ पर वो जैसे स्टेशन पर पहुँचा उसे एक बंदा मिला जिसका नाम बिल था, जो कि एक डिलीवरी मैन था। उसकी क्वालिटीज देख लीजिए, रेड फेस था, ठीक है, 40 years के अबाउट था, मतलब 40 years के लगभग था वो, थिक अबाउट द मेजर, बीच में से मोटा था, ठीक है। उसके क्लोथ डर्टी थे और बस क्या कहते हैं अच्छे क्लोथ नहीं थे, ठीक है। उसने $2 चार्ज करा था, ठीक है, और वो ओलिवर लुटकिन को जानता था, वो हंसमुख टाइप का था और वो फ्रेंडली मैनर का था, दोस्ताना स्वभाव का था, ठीक है। और उसे उन्होंने हायर कर लिया था ताकि वो ओलिवर लुटकिन को भेज सकें, ठीक है। ही सैड ओलिवर लुटकिन डिडंट गिव हिज 50 cents, उसने वो बताया कि भाई आप पैसे लेने ही आए होंगे, क्योंकि उसने भी मेरे 50 cents नहीं लौटाए, ओलिवर लुटकिन ने नहीं लौटाए हैं, ये बिल कह रहा है, ठीक है। अब उन्होंने किन चीज़ किन जगहों पर क्या कहते हैं ढूंढा ओलिवर लुटकिन को, वो नीचे लिखा है। एक फ्रिट शॉप पर ढूंढा जहाँ पर वो पोकर गेम खेल सकता है, गुस्टा बारबर शॉप पर ढूंढा जहाँ पर वो शेव करा सकता है, जो उसने बोला कि भाई उसने मेरे $35 नहीं दिए हैं, तो ये बोलता है क्या कहते हैं बिल कि भाई वो पक्का ग्रेस बारबर शॉप पर गया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो गए तो पता चला कि भाई 5 minutes पहले ही निकला भाई लुटकिन, पता हो यार 5 मिनट में छूट जा रहा है, बाकी एंड में पता चलेगा कि क्यों छूट जा रहा है, ठीक है। पूल रूम में गए जहाँ पर लुटकिन सिगरेट खरीदता है। अब देखते हैं भाई, उसके बाद ऑथर को लगी भूख, उसने बोला भाई ये होटल वोटल तो सब बेकार है, बिल ने बोला, बिल सेड ऑल होटल्स वर बैड, सब बेकार है भाई। ही अरेंज लंच इन $0.50, वो $0.50 में लंच को अरेंज कर लेगा, ठीक है। आफ्टर लंच जब उन्होंने लंच खाया उसका, उसने टेल अबाउट लॉयर वाइफ हु नेवर कॉलर एंड टाई, भाई एक लॉयर वाइफ के बारे में बताया जो कि कॉलर, जो शर्ट का कॉलर होता है और जो टाई होती है वो कभी एक साथ नहीं बांध पाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये कॉलर बाहर से ला के लगाते हैं, हमारे इंडिया में तो यार कॉलर बनता है शर्ट के साथ ही। विल टेल अबाउट मिनिस्टर वाइफ हु सेंग लाउडली इन चर्च, मिनिस्टर वाइफ के बारे में बताया, एक चीफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर जो है उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी जो है वो बहुत तेज गाती है चर्च में। ही विल टेल अबाउट लुटकिन मदर, लुटकिन मदर के बारे में बताया कि 9 feet लंबी है, 4 feet चौड़ी है, चीयरफुल है, वो टेरर है, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब लेडी है वो, कोई कैसा कैट है, वो कैट की तरह बिल्ली की तरह तेज है, वो ओल्ड है, और वो उसका घर जो है 3 miles नॉर्थ को है, नॉर्थ में 3 miles को है, ठीक है, 3 miles दूर है नॉर्थ में। ऑथर उसको 6 घंटे के पैसे क्या कहते हैं पे करते हैं, 6 घंटे का आप मिला सकते हो, बोलेंगे कि भाई टोटल पे कितने उसने कराया, तो 6 × 12, ठीक है, $2 पर आवर के हिसाब से दे रहा था, 6 hours से $12 हो गए, और साथ ही साथ उसने $0.50 लंच का एक्स्ट्रा लिया था, $12.50 हो गए लंच टाइम को मिला के 6 घंटे हैं। उसका जब वो मदर के होम में पहुँचे तो बिल सेड डेट लॉयर हैव अ राइट टू सर्च एनी वेयर लुटकिन, बिल ने कहा कि भाई ये लॉयर है, इसके पास सारे अधिकार हैं, कहीं भी ढूंढ सकता है लुटकिन को, भैया तुम्हारा घर छान मानेगा। उसका उसने बोला मदर शोड हिम हॉट आयरन टू मेक दैम टेराराइज, भाई मदर ने दिखा दिया एकदम लोहे का डंडा गर्म गर्म का, भैया सेक दूंगी तुम्हारा पिछवाड़ा, भाग जाओ यहाँ से,
कुछ इस तरीके की बातें, ठीक है। उसके बाद वैन ऑथर रिटर्न विदाउट लुटकिन बॉस रिएक्शन। भैया जब ऑथर बिना लुटकिन के पहुंचा था, उसके बॉस का जो रिएक्शन था बड़ा खतरनाक रहा भाई, बड़ा खतरनाक आदमी था वो। उसने बोला बॉस बिकेम एंग्री और सेट टू डिग डिच। भैया बॉस बहुत ही खतरनाक तरीके से गुस्सा हो गया, बोला भाई साला तुमसे नहीं होगा लॉयर वर्ग का काम, तुम गड्ढा खोदो बड़े बड़े, ठीक है, डिच का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार तब वो गया तो बॉस ने उसके साथ एक मैन भेजा, बॉस सेंड अ मैन हु नो ओलिवर लुटकिन विद लॉयर, ठीक है, और लॉयर के साथ एक आदमी को भेजा जो लुटकिन को जानता है। बिल एंड ओलिवर मदर लाफ्ड ऑन लॉयर लाइक दे लाफ्ड ऑन 7 ईयर ओल्ड बॉय व्हेन दे फाउंड दैट बिल वाज ओलिवर लुटकिन। भैया सारा खेल पलट गया यार, जो बिल उसे इतना अच्छा लग रहा था, जो बेचारे को लेके डोल रहा था भैया, वही ओलिवर लुटकिन था जिसको वो ढूंढ रहे थे। और बिल और जो ओलिवर लुटकिन की मदर है वो बहुत हंस रही थी लॉयर के ऊपर, जैसे वो 7 साल का बच्चा हो ऐसे हंस रही थी, ठीक है। तो भाई इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसको कब शर्म लगी, मतलब लॉयर को कब ज़्यादा शर्म लगी। तो भाई यही उसका शर्मनाक मतलब हिस्सा है कि जब बिल और उसकी मदर हंस रहे थे, ठीक है, जब वो 7 साल का लड़का था, 7 साल का लड़का हो इस तरीके से हंस रहे थे, जो बहुत ही शर्मनाक था उसके लिए। भाई आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो गया है, वन शॉट वीडियो थी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो के लिए।